This is our home. I need you. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज़ और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अवतार 2 द वे ऑफ वाटर का फिल्म रिव्यू करेंगे। हम ये बता दें कि हम इस फिल्म का रिव्यू जेन्युइनली फिल्म देखने के बाद कर रहे हैं, जहां हमने आज सुबह 12 बजे यानी कि फ्राइडे 12 AM का शो देखकर ये रिव्यू आपके लिए बनाया है। तो फ्रेंड्स, 13 साल बाद अवतार 1 का सीक्वल अवतार 2 फाइनली आ गया है। अवतार 2 हॉलीवुड की ही नहीं बल्कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, सैंडलवुड सबकी मोस्ट अवेटेड और गेम चेंजिंग फिल्म है, जो 2000 करोड़ से भी ज्यादा बजट में बनाई गई है। तो शुरू करते हैं। फिल्म पैंडोरा प्लैनेट से शुरू होती है, जहां अवतार 1 खत्म हुई थी, जहां जैक सली, जो पार्ट 1 में इंसानी शरीर त्याग कर पूरी तरह पैंडोरा के नावी नागरिक बन चुके हैं, अपनी वहां की वाइफ के साथ जंगल की दुनिया में सुखी हैं और उनके 2 टीनेजर बेटे और 2 बेटियां हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चलती। कर्नल माइल्स, जो लास्ट पार्ट में मारा गया है, नावी के अवतार में अपनी खतरनाक टीम के साथ जैक सली को मारने यहाँ वापस आ गया है। कर्नल कैसे मरने के बावजूद नावी के रूप ले लेता है, ये हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, जिससे आप फिल्म में देख के समझ सके। कर्नल का पागलपन और उसकी तबाही देख जैक सली पैंडोरा के लोगों की जान बचाने के लिए वहां से अपनी फैमिली के साथ निकल जाता है। और असली पिक्चर यहां 40 मिनट के बाद शुरू होती है, जहां जैक अपने परिवार के साथ समंदर में बसे देश में पनाह लेता है। जैक, उसकी बीवी और उसके बच्चे वहां के ट्राइबल लीडर और उसके बच्चों से वहां के पानी के तौर तरीके सीखने लगते हैं। पर कर्नल माइल्स पूरी तैयारी के साथ किसी तरह वहां भी पहुंच जाता है और फिर शुरू होती है भयानक जंग। जंग में क्या होता है, कैसे होता है, हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि पिक्चर में पानी के अंदर की दुनिया आपको चौंका देगी। इतनी खूबसूरत है, इमेजिनेशन कमाल की है डायरेक्टर और उसकी टीम की। बेहतरीन ब्यूटीफुल सीक्वेंसेस अंडर वाटर शूट किए गए हैं, जो आज तक नहीं देखे गए हैं, स्पेशली वाटर एनिमल्स के साथ और वेजिटेशन के साथ, जो असल में सब नकली है पर असली से ज़्यादा असली लगते हैं। अमेजिंग है वाटर एनिमल्स और नावी लोगों का जुड़ाव और पानी के फ्लोरा फौना से उनका जुड़ाव बहुत कमाल से दर्शाया गया है स्टोरी टेलिंग में। ये रिलेशन आपको इमोशनल कर देंगे कुछ जगहों पर। अब आते हैं फिल्म की बुरी बात पे, जिसने सब गड़बड़ किया परफेक्ट एक्सपीरियंस को। पहला, फिल्म की लेंथ 3 घंटे 12 मिनट की है, जो लास्ट में ड्रैग करती है। आप थक जाते हैं पर फिल्म ख़त्म नहीं होती। आराम से फिल्म 15 मिनट ट्रिम की जा सकती थी। दूसरा, स्टोरी और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, जैसे पार्ट 1 की थी, सॉलिड बेस था। तीसरा, फिल्म में 2-3 कैरेक्टर्स कौन हैं, जैसे ह्यूमन बच्चा स्पाइडर जो जैक और उसकी फैमिली के साथ रह रहा है, उसका जन्म कैसे हुआ, कहां से आया, या उनकी एक टीनेज लड़की का बाप कौन है, ये सब नहीं बताया गया तो कन्फ्यूजन कहानी में लगता है। पर खूबसूरती और कमाल के साउंड इफेक्ट्स सब भुला देते हैं। फ्रेंड्स, ये फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बना रही है एडवांस बुकिंग में। 24 आवर्स मूवी के शो रन हो रहे हैं देश भर में। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडिया में फर्स्ट डे अराउंड 60-70 करोड़ की ओपनिंग लगेगी और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा फर्स्ट डे का 1500 करोड़ का। RRR और पुष्पा का लाइफ टाइम बिजनेस से भी कहीं ज़्यादा, जो इसका एक दिन में है। तो फिल्म को वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने टर्मिनेटर, टाइटैनिक, एलियंस और अवतार 1 भी बनाई है। फिल्म के राइटर हैं जेम्स कैमरून, रिक जाफा, अमांडा सिल्वर। फिल्म को प्रोड्यूस किया है 20th सेंचुरी स्टूडियो और लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट ने। दोस्तों, हमारी राय में ये पिक्चर हॉल में नहीं देखी तो मत ही देखना फिर। अच्छी बात यह है कि अवतार 2 स्टैंड अलोन फिल्म है और अगर आपने पार्ट 1 नहीं भी देखी है तो समझ में आ जाएगी। ये फिल्म नहीं है दोस्तों, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको ज़रूर लेना है। और याद रहे, आप जब बाहर निकलते हो थिएटर से तो अपने बगल वालों के ब्राउन चेहरे देख के मुंह फेर लेने का दिल करता है, क्योंकि डायनामिक और एक्सप्रेसिव नावी लोगों को हम अब अपने आप में देख रहे होते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, ये था फिल्म अवतार 2 द वे ऑफ वाटर का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा आपको ये कमेंट्स में बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल स्मैश करना। और नहीं करने का मूड हो तो गरीबों को 11 बनाना, यानी 11 केले अपनी तरफ से खिला देना। रिव्यू को सिनेमा लवर्स के साथ शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।